आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, वो इसलिए कि फाइनली हमारी जो यूट्यूब की इनकम है वो आ चुकी है। तो देखो अभी आंसू आने को हो गए और लेकर के आते हैं अपनी यूट्यूब इनकम। भाई सच बता दो, रिएक्शन इतने तगड़े मिलते ना भाई। सो गाइस फाइनली अभी तुम्हारा भाई आ चुका है पैसा निकाल करके। अपने भाइयों के बहुत ज्यादा मैसेज आए इंस्टाग्राम पर कि भाई आपकी कितनी इनकम है, बड़े लग रहा आपको चल पहले बताओ क्या होगा इसके अंदर, क्या लगता है आपको? यार खुशी का एक्साइटमेंट इतना है कि भाई बैग ही नहीं खोले जा रहा। ये रहे हमारी यूट्यूब इनकम, तो कैसा लग रहा है आपको? वैसे तो आपका वीडियो सुनाते रहते हैं, तू गाड़ी तेज चलाता है, ये वो, तो आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो बोलना पड़ता है बच्चे की सेफ्टी करनी पड़ती है, तो गाड़ी तेज चलाओ तो कुछ बात हो जाए। मतलब आपको मेरी परवाह है? व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत जो है घर से हो रही है और अभी बज रही इवनिंग के 5। तो भाई आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, वो इसलिए कि वैसे तो आप टाइटल तो थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे, बट फिर भी बता देता हूँ। तो यार आज का व्लॉग इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि फाइनली हमारी जो यूट्यूब की इनकम है वो आ चुकी है। तो मेरे को कई बार यार अपने भाइयों के बहुत ज्यादा मैसेज आए इंस्टाग्राम पर कि भाई आपकी कितनी इनकम है, कितनी इनकम है, बट मैंने आज तक किसी को बताया नहीं। तो आज मैं आपको फाइनली बताने वाला हूँ, इस व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई मेरी कितनी इनकम है। एंड तो आजकल तुम्हारे भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, फीवर आ रहा है और पूरा बॉडी पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखो अभी आंसू आने को हो गए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो फाइनली अभी हम जाने वाले मार्केट और मार्केट से लाएंगे अपनी नोटों की गड्डी। क्या बोला तूने? अपनी इनकम। और सीन ऐसा है कि मम्मी को देंगे आज सरप्राइज, मम्मी अभी घर पे ही है और बहन जो कॉलेज जा रही है, बाकी मैं अभी घर पे ही, पापा जो है मेरे वो बाहर जॉब करते हैं। तो बस घर पे फिलहाल मम्मी और मैं ही हैं और 2 सदस्य हमारे घर में और रहते हैं, रॉक्सी और पट्टो। वैसे मैंने आज तक आपको कभी मिलाया नहीं यार उनसे, और मतलब क्योंकि मैंने आज तक जैसे भी व्लॉग करे ना भाई, सारे मोटो व्लॉग्स थे, बट इस वाले व्लॉग में आपको लाइफ स्टाइल व्लॉग देखने को मिलेगा प्रॉपर। तो मोटो व्लॉग दिखेगा बट थोड़ा 20%, बस बाकी 80% आपका लाइफ स्टाइल व्लॉग ही रहेगा मेरा। अच्छा ठीक है, समझ गया। बाकी अभी मैं आपको मिलाता हूँ यार रॉक्सी और पट्टो से। तो चलिए कहाँ है मम्मी? अंदर है। तो अभी मैं आपको मिलाता हूँ रॉक्सी और पट्टो से भाई। तो गाइस ये रही हमारी रॉक्सी, आ रो। तो गाइस ये रहे हमारे छोटे छोटे बच्चे पपीज, ये चेक करो गाइस, ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो गाइस, ये चेक करो, बस 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 ये चेक करो गाइस, ये देखो ये देखो ये देखो। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है यार, ये इसको दूध भी नहीं पिला रही है क्योंकि भाई इतने सारे बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं बताओ, उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है दूध पिला पिला करके। ये देखो अभी मेरे पास थोड़ी नहीं दूध, वहाँ जाओ। और बाकी यार पट्टो पता नहीं कहाँ जा रखा है। बाकी ये रही मम्मी, तो मम्मी को भी अपने फ्रेम में ले लेते हैं। तो और मम्मी क्या हाल है आपके? हेलो गाइस। हेलो गाइस, मैं तो बोले बोल रहा हूँ, बहुत तेज हो रहा है। तो अभी मैं ज़्यादा जरा मारती कुछ काम से, अभी आता ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं देखे तो गाइस फटाफट से चलते हैं और लेकर के आते हैं अपनी यूट्यूब इनकम और फिर देंगे मम्मी को सीधे सरप्राइज। तो चलिए निकलते हैं अभी और आपसे मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। गाइस अभी तुम्हारा भाई आ चुके अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे एंड ये रहे अपनी कार और ये रहे अपनी बाइक, अपना जेक एंड जो एक तो रोड वाला ना सालों ने मुंह के आगे गड्ढा कर रखा भाई। तो चलते हैं फटाफट से और तुम्हारा भाई आज बहुत ज़्यादा खुश है भाई क्योंकि तुम्हारे भाई की जो इनकम है ना भाई वो आ चुकी है भाई, सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है भाई। ये चेक करो गाइस, पूरे रोड की ऐसी तैसी हो चुकी है भाई, पूरे रोड की, पहले इतनी बढ़िया रोड थी ना भाई, इसके ऐसी कोई रोड नहीं थी, यहाँ गाड़ियाँ नहीं, यहाँ हवाई जहाज चलते थे, समझ गया। पर भाई अब ऐसी रेट पिटी है इसकी कि बस क्या ही बताऊँ। तो रहन दो फिर भाई, सच बता दो रिएक्शन इतने तगड़े मिलते ना भाई। अब जब मैं अपनी बाइक निकालता हूँ वो तो बस एक एग्जॉस्ट नहीं है, एग्जॉस्ट होता ना भाई तब तो आग लग जानी थी। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं मार्केट, तगड़े रिएक्शन मिलते हैं भाई। ये देखो भाई रास्ता नहीं देते, ये हम पहुंच चुके हैं भाई एटीएम। ये ऐसा एटीएम है कि भाई यहाँ हमेशा मिल जाता है आपको पैसा। A few moments later. So guys, finally अभी तुम्हारा भाई आ चुका है पैसा निकाल करके भाई और अब चलते हैं यार घर। मम्मी कहाँ हो? So guys, finally अभी मैं लेकर के आ चुका हूँ अपनी YouTube इनकम और अब लेते हैं मम्मी की रिएक्शन। तो रॉक्सी को देखो, रॉक्सी यहाँ बैठी हुई है। हाय रॉक्सी। तो भाई मम्मी को देखते, मम्मी कहाँ है? ये रहे मम्मी, मम्मी को लगा मम्मी आओ जरा इधर, वहाँ क्या कर, अरे वो देखो पट्टू को मैं आपको इतनी देर से मिलाने की कोशिश कर रहा था ना, साला ये रहा हमारा पट्टू, ये देखो इसे गाइस, इसे चेक करो, इसे
ये चेक करो गाइस। हेलो यमराज, मैं बांगड़ बिल्ला बोल रहा हूँ शैतान चौराहे से। यहाँ पे एक मनुष्य अपना आपा खो बैठा है, दिन भर से चूतिया पे करे जा रहा है, जो कि मेरे सहन शक्ति के बाहर जा रहा है। हमारा पट्टो ये देखो कितना प्यारा है भाई, बहुत ज्यादा प्यारा है। ये देखो ओए ओए साले, यहाँ का सो रहा है, गिरा दो तेरे को नीचे, डरता है साला। साले तो गाइस अब चलते हैं यार, मम्मी के लिए यार रिएक्शन रहते हैं तो देखते हैं। मम्मी कहाँ हो, वहाँ क्या कर रहे हैं, जरा बाहर को तो आओ। देखो पिद्दी पिद्दी बच्चे, जल्दी आओ यार। तो और बता क्या हाल है, इतना खुश क्यों आ रहे हैं आप? तो आपको आज कैसा लग रहा है अपने कैमरे में आ करके, मतलब आगे अच्छा लग रहा है? पहली बार व्लॉग शूट हो रहा है ना आपके साथ? वैसे पहला व्लॉग होने वाला है जो मैं मम्मी के साथ शूट कर रहा हूँ, मतलब पहला ही व्लॉग है भाई जो थोड़ा लाइफस्टाइल व्लॉग में मैं दिखा रहा हूँ, वरना आज तक मैंने जितने भी व्लॉग शूट करे सारे मोटो व्लॉग ही थे। बड़े लग रहा है आपको? हाँ ठीक लग रहा है। तो आपके लिए कुछ ला रखा? क्या ला रखा है दिखाता चलो। रुको गाइस बैग खोल लो, देखो कितनी खुशी, कितनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज। चलो पहले बताओ क्या होगा इसके अंदर, क्या लगता है आपको? क्या पता क्या लग रहा है, बताओ फिर भी। अरे इसमें नहीं है भाई, सो अंदर है यार, खुशी का एक्साइटमेंट इतना है कि भाई बैग ही नहीं खोले जा रहा। कौन सी जेब में है? अबे कहाँ गया ये, मिल नहीं रहा क्या? ये हमारा बटुआ, ये क्या लाया इसमें है? इतने पैसे? हाँ ये हमारी YouTube इनकम है। झूठ बोल रहे हैं, इतने पैसे? झूठ बोल रहे हैं, इतने पैसे? हाँ सही में भाई, हाँ झूठ बोल रहा पक्का। हाँ ये रहे इतने सारे पैसे? हाँ हाँ भाई इतने सारे पैसे, ये रहे हमारी YouTube इनकम। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, सच बोल रहा, झूठ बोल रहा है? हाँ सच बोल रहा है भाई, इतने सारे पैसे, इतने ज्यादा पैसे तो तुमने गाड़ी में लगा दिए। हाँ तो बाइक में तो लगाए, बाइक में लगाए तभी तो आए, जब लगाऊंगा तभी तो आएंगे। कितने हैं गिन के तो बताओ, इतना टाइम लगता है गिनने, इतनी देर में तो मैं बैंक का 1,00,000 रुपए गिन दूं। बस हवा निकल गई। तो बताओ कैसा लग रहा है आपको 20,000 रुपए में? अच्छा लग रहा है, है? बड़े लग रहा है, सही है, मतलब काम सही है, कर लूँ फिर इसे। तो ये बताओ कैसा लग रहा है, मतलब सही है काम, ये करने लग जाऊँ, यही बढ़िया है? हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। और क्या, वैसे तो आप 24 घंटे सुनाते रहते हो कि तू गाड़ी तेज चलाता है, ये वो सब गाड़ी चलाता है, इतना तो बोलना पड़ता है, बच्चे की सेफ्टी तो रखनी पड़ती है, थोड़ी गाड़ी तेज चलाओ तो कहीं कुछ बात हो जाए। अच्छा मतलब आपको मेरी परवाह है? क्या क्या बोला तूने? परवाह क्यों नहीं, पता नहीं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां मैं पिघल गया। अच्छा डर लगता है आपको जब मैं गाड़ी तेज चलाता हूं? डर नहीं लगता, सबकी मां डरती है। मेरे एक्सीडेंट वाली वीडियो देखी थी आपने? खतरनाक नहीं थी वो? इतनी डर लग रही मुझे, अरे डर लगता से देख के। तो ये रहे मेरे 20,000 रुपए, तो क्या करेंगे पैसों को बताओ? ऐसा करते हैं ना, चार जने हम, तो चारों बांट लेते हैं। ब्रो क्यों 5,000 आप रखना, 5 मैं रखूंगा, 5 हनी और 5 पापा, क्यों सही नहीं ऐसे? ठीक है तो ठीक, 5,000 रुपए निकाल दो फिर अपने। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा, हाथ मत लगाओ उसमें, हाथ मत लगाओ उसमें। You very chalak bro. बहुत चालाक। तो गाइस फाइनली हमारी जो इनकम है यार वो आ चुकी है, और बहुत सारे भाई लोग का क्वेश्चन था कि यार कितनी आती है, कितनी आती है, कितनी आती है। तो भाई देखो ऐसा सीन है कि सारा जो मतलब इनकम का जो सोर्स है ना भाई, वो सारा आपका मतलब व्यूज़ के ऊपर डिपेंड होता है, कितने आपके व्यूज़ आते हैं, कितने आपके लाइक आते हैं, उस अकॉर्डिंग ही आपका जो है डॉलर वो बनते हैं। और $100 तक ही टारगेट होता है आपका, जहाँ $100 आपके कंप्लीट हुए उसके बाद आपकी इनकम आ जाएगी अगले मंथ, मतलब इस महीने अगर आपके डॉलर कंप्लीट हुए इसी महीने तो वो आएगी इनकम अगले महीने। तो वैसे इनकम का जो टाइमिंग रहती है वो रहती है 21 से 25 के बीच, जैसे आपके इस महीने डॉलर कंप्लीट हो गए तो अगले महीने 21 से 25 के बीच आपके डॉलर आ जाएंगे। तो भाई ये मेरे 2-3 महीने की इनकम है, मतलब लगभग 2-3 महीने की, हाँ क्योंकि इतने टाइम बाद मेरी इनकम आ रही है, काफ़ी टाइम से फंसी हुई थी भाई, $2-4 से मैं रह रखा था, $2-4 बन ही नहीं पाते, उस वजह से मेरे को पूरे महीने वेट करना पड़ा। तो फाइनली जो अपनी इनकम है भाई वो आ चुकी, अब तो पार्टी होगी, पार्टी एक बार रॉक्सी से मिलाते हैं। रॉक्सी बेटा ले, आज पार्टी होगी, पार्टी 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 करेंगे आज, ठीक है? तो देखो रॉक्सी को यार ये बच्चों को ना इनसे पैसों से प्यार नहीं होता है, इन्हें बस प्यार चाहिए होता है। तो गाइस एक काम और करते हैं यार, अभी चलते नीचे और मम्मी के लेते हैं थोड़े से और रिएक्शन, मतलब बाइक वगैरह को दिखा करके कि बाइक कैसी लग रही है अभी अपनी। मम्मी को मैंने आज तक बाइक नहीं दिखाई और ना ही मम्मी की रिएक्शन है, तो अभी चलते नीचे और रिएक्शन लेते हैं। तो गाइस अब हम लेने जा रहे हैं मम्मी के रिएक्शन, वो भी बाइक के साथ, बाइक को दिखा करके। तो अभी बाइक दिखाता हूँ मम्मी को। हाँ तो बाइक में मैंने कराया ना, काम कराया ना, हाँ क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ
उसमें बहुत एक्सीडेंट हो रहे थे ना मेरे। अच्छा लग रहा पक्की बात। काम है सहसपुर में ही अपने, जिससे मैं कराते हूँ। हाँ तो सबको नया लगा उसमें, दूसरे पार्ट डलाया अभी, लगे थे इंश्योरेंस में पैसे 25,000 रुपये, तभी तो बंद करके आई। सही लग रही है अब? हाँ, गुस्सा नहीं आता आपको, मैं बार बार इसमें पैसे लगाते रहता हूँ। गजब बेइज्जती है। तो गाइस हमने मम्मी के भी रिएक्शन ले लिए, अभी आपने देखा मम्मी ने क्या कुछ बोला। तो अभी मम्मी का फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए मम्मी को आदत नहीं है कैमरे में आने की, कभी फर्स्ट टाइम ही आई है, तो उनको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ऑफवर्ड लग रहा होगा, बट कोई नहीं, ऐसा भी था यार। आप लोग इन्जॉय करना, कमेंट डाउन करके बताना कि यार आपको ये व्लॉग कैसा लगा, मतलब लाइफ स्टाइल व्लॉग। और अब तक मैंने जैसे भी व्लॉग करा, तो आपने देखा कि मैंने हमेशा मोटो व्लॉग ही करा, बट इस बारी मैंने थोड़ा लाइफ स्टाइल व्लॉग करा है। वैसे भी इस टाइम कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, मतलब हर में हर कोई मोटो व्लॉग ही कर रहा है, तो भाई थोड़ा अपना कंटेंट मेरे को चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे भी राइड वगैरह के व्लॉग या कोई भी नहीं देखता है, हर किसी को लाइफ स्टाइल व्लॉग या कुछ अमेजिंग ही चाहिए होता है, कुछ नया। तो इसलिए अब मैं लाइफ स्टाइल व्लॉग भी करने वाला हूँ, तो यार कमेंट डाउन करके बताना, बस आप लोगों का मेरे को सपोर्ट चाहिए, जैसे आपने मेरे को यहाँ तक सपोर्ट दिया, ऐसे आगे भी देते रहना यार, और अपना सपोर्ट बनाए रखना। अभी हमने जल्दी से 50K भी करने, उसके बाद जा करके भाई सुपर बाइक आएगी, तो जल्दी से यार भाई 50K करवा दो, और वीडियो को स्किप मत करा करो यार, पूरा देखा करो भाई, ये तो देखा करो अगले बंदे की मेहनत क्या है यार, कम से कम मेहनत को देख करके तो रुक जाया करो वीडियो पे। बस ऐसे सपोर्ट करते रहो, जल्दी से 50K करते, उसके बाद एक सुपर बाइक लेकर के आते हैं, उसके बाद तो भाई बवाली होगा। तो चलिए इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते, यहीं पर एंड करते, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करना, और चैनल को करने सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट। सो गाइस फाइनली अपनी हनी बहन जो वो भी आ चुकी है, और अब लेते उसको कैमरे में और उसके भी रिएक्शन चेक करते हैं। तो कहाँ है हनी? तो ये चेक करो गाइस, तुझे क्या तो पागल की होगी गाइस। ऐसा होता है अक्सर जब कोई फर्स्ट टाइम कैमरे में आता है ना, तो ऑन कैमरा ऐसे ही होता है। अबे क्या हो गया, क्या हो गया तेरे को? अभी तो कैमरे के आगे देखो कैसे रो रही है, अबे क्या हो गया, आ जा एक बार, एक बार। अरे सुन तो सही, तेरे लिए एक सरप्राइज है, चल तेरे लिए एक सरप्राइज है, तेरे लिए एक सरप्राइज है बहन, सुन तो ले, अबे सुन तो ले। वैसे हनी दीदी के बस का तो नहीं है कैमरे में आना, तो उसको रहने देते हैं, जल्दी बता इधर तो आ, सुनो तेरे लिए एक सरप्राइज है बहन, अभी जल्दी आते, सुनो तेरे लिए एक सरप्राइज है, पूछ तो सही क्या